राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी किया गया। मौजूदा समय में उनके पास करीब 2.28 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अब 4 साल के बाद मोदी की संपत्ति में करीब 75 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा दायर किया था और उसी आधार पर आज हम आपको ये बताएंगे कि 2014 और 18 में प्रधानमंत्री की संपत्ति में कितना अंतर आया है। 2014 में मोदी के पास कुल चल अचल संपत्ति 1,51,57,582 रुपए थी। आज 2018 में करीब 2.28 करोड़ रुपए है। 2014 में मोदी के पास कैश 29,000 रुपए था। आज 2018 में मोदी के पास कैश 48,944 रुपए है। 2014 में पोस्टल सर्विस में 4,34,031 रुपए था। आज 2018 में SBI बैंक में कुल 11,29,690 रुपए जमा है। 2014 में फिक्स डिपॉजिट 44,23,383 रुपए था। आज 2018 में 1,07,96,288 रुपए जमा है। 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड डिपॉजिट 20,000 रुपए की थी। आज 2018 में भी 20,000 रुपए ही है। 2014 में गोल्ड ज्वेलरी 1,35,000 की थी। आज 2018 में 1,38,000 रुपए की है। 2014 में ब्याज के रूप में आया कुल रिफंड 1,15,468 रुपए। आज 2018 में 1,59,281 रुपए LIC के रूप में है। प्रधानमंत्री के नाम पर कोई भी दुपहिया फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड नहीं है। जब से मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से उन्होंने कोई नया सोना नहीं खरीदा है। अगर प्रधानमंत्री की कुल चल अचल संपत्ति की बात करें तो ये लगभग 2.28 करोड़ रुपए की है। इसमें लगभग 1,28,00,000 रुपए की चल और गांधीनगर में कुछ अचल संपत्ति है। प्रधानमंत्री ने 2002 में 1,00,000 रुपए की कीमत से 3,531.45 स्क्वायर फीट की संपत्ति भी खरीदी थी।